हेलो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग आप देख रहे हैं बहुत 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 टाइम के बाद, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, 2 साल के बाद मैं फिर से एक ब्लॉग बना रहा हूँ। सो आज का ब्लॉग जो मेरा है ये है दुबई ट्रैवलिंग का, इंडिया टू दुबई। सो वी आर गोइंग टू दुबई, एंड जा क्यों रहे हैं ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। फिलहाल मेरे साथ कौन कौन जा रहा है, मेरे साथ जा रहा है मेरा भाई डैनियल, और उसकी आईडी मैं मेंशन कर दूंगा, उसको भी आगे आप चेकआउट कर सकते हो। और हमारा मेन पर्पस जाने का ये है, चेकआउट का मतलब चेकआउट। गाइस उम्मीद करूँगा कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा, और कोशिश करना कि इस ब्लॉग को पूरा देखिए, और हमारी जो जर्नी है इंडिया टू दुबई आप ज़रूर देखना। और अभी हम जो एयरपोर्ट पे मस्ती मार रहे हैं आपको वो भी इसके बीच में क्लिप्स मिल जाएंगे, तब तक आप इन्जॉय करो, वीडियो को इन्जॉय करो। अगर वीडियो अच्छी लगी लास्ट में तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं जल्दी से अगले क्लिप में। दोस्तों कोशिश कर रहे हैं वीडियो की अच्छे से एडिटिंग करने की, वीडियो बनाने के लिए, और टीनू मशक्कत करते हुए क्योंकि उसको एंगल समझ नहीं आ रहा कहाँ से एंगल लेने वीडियो के। ऐसे ही आपको कॉमिक्स बीच में फनी फनी मोमेंट्स मिलते रहेंगे, इन्जॉय करो आप भी वीडियो को। और हाँ, सारा एक्सपेंस जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का आपको इस वीडियो में ज़रूर पता लगेगा। तो जो इस वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, सो दैट आप जो भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं इंडिया टू दुबई, तो आपको पूरा का पूरा एक्सपेंस पता लग जाए, हमारा कितना खर्चा हुआ, हमारा रहने का कितना खर्चा हुआ, होटल का स्टे कितने का हुआ, वीज़ा कितने का हुआ, वो सब आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ इस ब्लॉग में बने रहिए। थैंक यू। इन्हें क्या कहेगा, कुछ समझ आया ब्लॉग के लिए क्या बनाना था हमने? खुद ही बनाना पड़ेगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं पहले ही बोल रहा था हमें स्टार्टिंग में रील बनाएगा उस पे। किस पे? बादल बरसा रे। कमेंट करके बताओ इस गाने पे रील बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अगर बनानी चाहिए तो प्लीज आप सब कमेंट करो डैनियल को इस गाने में नचाएंगे, बादल बरसा बिचोली। आगे दत्तो जवानी, दत्तो जवानी। बने रहिए ऐसे ही, आपको फनी फनी मोमेंट्स मिलते रहेंगे, एंजॉय करते रहो आप भी। तो आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, अभी हमारे पास एक ही फ़ोन है जिसकी चार्जिंग 50% है, और ये भाई साहब अपना चार्जर घर छोड़ा है। आईफोन का तू भाई साहब, अब तेरा फ़ोन दिखाइयो कितना परसेंट है। क्या बनाना था? हेलो कौन बोल रहा है? फ़ोन बता कितना चार्ज है अभी। अरे वो बोले तब ना हम बोले। इसका फ़ोन गया डाउन, और अब फोन जो वीडियोस बनेंगे मेरे फोन में बनेंगे। ठीक है भाई, ठीक है जी, हम जा रहे हैं अभी। सभी के लिए, जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो दुबई, तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी टिकट्स हों जिसमें आपकी रिटर्न टिकट हो, उसके अलावा आपके पास वीज़ा तो होना ही चाहिए, उसके बिना आप नहीं जा पाओगे। एंड वन मोर थिंग, जो भी आप टूरिस्ट पे जा रहे हो आपके पास वहाँ की होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। अगर आपके पास होटल बुकिंग्स नहीं होंगी तो आपको वो इमिग्रेशन क्रॉस करने नहीं देंगे। ये वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। इससे पहले मैं जा चुका हूँ कोविड से पहले, बट कोविड के बाद बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ। तो ध्यान रखना है आपने 3 चीज़ें कैरी करनी है, एंड एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ क्या, बता क्या एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कैरी करना है, बता। चार्जर और पावर बैंक। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना आप नहीं जा सकते हो, क्या होता है? अंडरवियर। सोच और सोच, ध्यान से सोच। जहाज। पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना कैसे जाओगे यार? तो पासपोर्ट आपने प्लीज़ कैरी करना है, ठीक है? और ईजी है जाना, कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद भी सारा कुछ अपना प्लान कर सकते हो, रेदर देन गोइंग टू ट्रैवल एजेंसी आप खुद से सब कुछ बुक कर सकते हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपको लास्ट में खर्चा बताऊँ कितना हुआ। गेट के पास पहुँच गए हैं और वेट कर रहे हैं अपने बोर्डिंग के लिए, और मीनवाइल
भाई मेरा स्ट्रगल कर रहा है अभी तक चार्जर के लिए, इसका फ़ोन हो चुका है बंद और व्लॉगिंग हो चुकी है बिल्कुल बंद। तो ये कोशिश कर रहा था कि अच्छी व्लॉगिंग बनाए, बट आज फ़ोन ने साथ नहीं दिया। एंड होपफुली आज मेरा फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा है, तो इन्जॉय करिए आप वीडियो को। और ये चार्जिंग के साथ कष्ट करता हुआ 14 है हमारा बोर्डिंग, जहाँ से हमारी होगी गेट नंबर। फ्लाइट है हमारी 6:45 की शाम की। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आप थोड़ा बजट में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि रात की फ़्लाइट लें। उसमें क्या होता है, शाम या रात वाली में थोड़ी सी आपके जो फ़्लाइट के चार्जेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, बट हाँ 500-1000 आप बचा सकते हैं उनसे। तो जिनको थोड़ा सा बजट ट्रैवलिंग करनी है या करना चाह रहे हैं आगे फ्यूचर में, तो वो रात की फ़्लाइट ले सकते हैं। बाकी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ओके, तो अभी पहुंच चुके हैं हम स्लीपिंग चेयर के पास। सुबह से ट्रैवल करके निकले हुए थे तो थक गए थे, तो अभी जस्ट शाम हो रहा है हमारा एंड फ्लाइट थोड़ी डिले है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है। तो इसलिए हम अभी आराम कर रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो भी आराम कर रहे हैं, देख सकते हैं। और वहाँ पे मेरा भाई अभी भी कोशिश कर रहा है वीडियो बनाते, चेक कर रहा है कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ अपना। इन्जॉय करते रहिए आप भी, लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, जैसे मैंने पहले बोला आपको, कमेंट कर देना। थैंक यू। दोस्तों बोर्डिंग हो चुकी है, डन, अभी जा रहे हैं अंदर। क्या ठीक है? ठीक है, डिले हो चुका था, फ्लाइट डिले थी और अभी हम जा रहे हैं अंदर। बोर्डिंग पास मिल चुके हैं और रिफ्रेशमेंट हमारी रह गई है, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि सबको खाने दो, बस वेट के चक्कर में हमारी रिफ्रेशमेंट रह गई है। तो ये है मेन द्वार, यहाँ से जा रहे हैं अंदर। बाकी बने रहिए ब्लॉग में, आपको बताते रहेंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों फ्लाइट में आ चुके हैं, फ़्लाइट डिले हो चुकी थी पहले, तो इनमें फ़्लाइट शिफ्ट कर दी है, किसी और फ्लाइट में हम जा रहे हैं। तो अभी उसमें हम जा रहे हैं, लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस होता है। अभी तक एक्सपीरियंस थोड़ा सा ठीक ठीक कह सकते हैं, नॉट गुड नॉट बैड, बट लेट्स सी अभी क्या होता है। अपने लिए आपने सोचा था वो नेक्स्ट नेक्स्ट आपको जो भी होगा सिचुएशन आपको बता देंगे। थैंक यू। दोस्तों पहुंच गए हैं दुबई और अभी जस्ट लैंड हुए हैं, 3.5 घंटे की फ्लाइट थी एंड इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। स्पाइस जेट के साथ थोड़ा सा बेटर हो सकता है स्पाइस जेट, थोड़ा सा आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। इनकेस अगर आपकी कोई फ़्लाइट डिले होती है तो प्लीज़ थोड़ा सा पहले प्रायोरिटी में इन्फॉर्म कीजिए। रिस्क सफ़र अच्छा था और बस निकल रहे हैं यहाँ से। गाइस वेलकम टू दुबई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सुबह का निकला हूँ 9 बजे का और फ्लाइट डिले होने की वजह से एकदम टायर्ड। अब तो ऐसा है कि बस यहाँ से गोले में ले जाएंगे, मिलते हैं जल्दी से रूम में जाके और लोग को वहीं ख़त्म करेंगे। तब तक आप बने रहिए और लास्ट में आपको बताऊंगा क्या एक्सपेंडिचर था विथ स्क्रीन कॉट। दोस्तों पहुंच गए हम दुबई और जस्ट होटल में हम एंटर किए हैं। ये होटल है शारजा में, हम शारजा में रुकेंगे पहले, तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे दुबई को। होटल का नाम है क्रिस्टल शारजा में। जस्ट अभी होटल में एंटर किए हैं और रूम जा रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ। ये होटल और ये हमारा रूम। वेलकम टू आवर होटल, ये है हमारा रूम, यहाँ पे रहेंगे हम 6 दिन और बस इन्जॉय करेंगे। ये बैग हमने पहले रख दिया और उसके बाद हमने एंट्री की। बनी रहिए व्लॉग में, आपको भी अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना
और नेक्स्ट सीरीज आपको बहुत जल्दी मिलेगी ब्लॉग की। बस ऐसे ही बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ छोटे छोटे ब्लॉग बनेंगे सो देट आप भी घूम सको। और हाँ, जितना खर्चा होगा मैं इस ब्लॉग के लास्ट में एक स्क्रीनशॉट डालूंगा विद टोटल एक्सपेंस, हमारा रहने का, खाने का, 6 दिन में हमारा कितना खर्चा आ गया, सो देट जो भी यहाँ पे दुबई आ रहा है उसके लिए ईजी हो जाएगा ट्रैक करना कि आपको कितना खर्चा बैठेगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।